अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। आज अरफा ने ना मुझसे कपड़ा मांगा, कहने लगे कि मुझे ना पापा एक कपड़ा चाहिए नरम सा। मैंने उसको दे दिया, रफ़ कपड़ों में से कपड़ा निकाल के दे दिया। तो उसके ऊपर ना ड्राइंग करने लगी। मैंने देखा वो हाथ का स्केच बना रही थी, तो मैंने पूछा बेटा क्या कर रही हो? कहते पापा मैं ग्लव्स बना रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, कैसे बनाओगी? उसने कहा पापा ऐसे ऐसे करके ना सिलाई सुई धागे कैसे इसको बनाऊंगे। तो मैंने उसे कहा बेटा ऐसे नहीं करना, आपने अगर बनाना है तो इस तरह करके बनाओ। तो मैंने उसका आइडिया मुझे पसंद आया, तो मैंने ना उसे कहा बेटा ऐसे करो, हाथ का स्केच बना के छोड़ दो, तो मैं आपको ना ये ग्लव्स बना के देता हूँ सिलाई मशीन के साथ। तो दोस्तों ये उसने बनाया था एक स्केच, एक टी शर्ट थी अब्दुल सबूर या मोहम्मद इब्राहिम की एक ना, तो उसमें से उसने बाजू काट के उसके ऊपर ये अपना हाथ का स्केच बना दिया। तो मैंने बजाय इसके के अलग करने के, मैंने किसी के ऊपर सिलाई लगाते हैं और फिर इसकी शेप देखते हैं क्या बनती है। तो ले आया हूँ मैं सिलाई मशीन, तो अब हम इसको करते हैं सिलाई। बच्चे सारे गए हुए हैं स्कूल और आज मेरे साथ कोई भी नहीं है जो कि कैमरामैन की ये कर सके, फैसिलिटीज अवेल कर सके। तो देन ये कुछ थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा आसान मैं ट्राई करता हूँ, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको करके दिखाऊंगा। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मीन टाइम मुझे याद आया कि एक स्टैंड पड़ा हुआ है मोबाइलों के लिए ना, तो मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं ये उसको उठा के लाया हूँ, तो आप देख कंडीशन, ये स्टैंड तो ठीक है लेकिन इसके ये वाला जो हिस्सा था ना ये टूट गया था। इसके ऊपर ये जो दरमियान में थी ये सारी टूट गई थी, तो मैंने कहा यार पहले इसी को रिपेयर किया जाए। तो मैं ये इसके लिए एल्फी वगैरह लेके आया हूँ, तो ये एल्फी वगैरह है, तो इसको लगा के ना को पक्का का निज़ाम करते हैं ताकि ये ना, क्योंकि इसकी ये दरमियान से टूट चुकी थी, इसके अंदर ये पीस था केबल का तो ये भी टूट चुका है। तो फिर मैंने ना अब इसके अंदर में भी ये जो थी ना इसके अंदर वाली अंदर एल्फी के साथ लगी हुई, मैंने बड़ी कोशिश की निकालने की, ये निकली नहीं है। तो अब मैं ना इसी के ऊपर एल्फी लगा के उसको ना करता हूँ कोई सेटिंग। इसको एल्फी के साथ अब मैंने लगा लिया है, बस इसको थोड़ा सा खुश करके फिर देखते हैं क्या ये मोबाइल का वज़न अब बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं सकती। लो जी हमारा स्टैंड हो गया है ठीक। अब हम इसको जनाब नेक्स्ट जो जहाँ से हमने रोका था ना वहाँ से इसको प्रोसेस शुरू करते हैं और अपनी अरफा का जो ग्लव्स है ना उसको मुकम्मल करते हैं। एक ट्राई है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, देखते हैं कैसी रहती है। अरफा जब वापस आएगी, अरफा इस मामले में बहुत किनिंग है, वो जब वापस आएगी उसने लाजमन पूछना पापा मेरे ग्लव्स का क्या किया। तो उस वक्त बजाय इसके कि पापा देखें उसके मुंह की तरफ, चलो तो कुछ ना कुछ किया होगा तो मैं बता तो सकता हूँ बेटा मैंने ये किया है। तो अब हमने शुरू कर दिया है। ये जर्सी का, इस वजह से ना इलास्टिक बिल्कुल वो नहीं है कि मैं इसको इधर से ना सिलाई मशीन से मोड़ लूं, तो ये मुझे घुमाना ही पड़ रहा है हर जगह से। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अब अरफा आ चुकी है स्कूल से, तो इसने अपने ग्लव्स देखे हैं। तो अरफा से पूछते हैं कि अरफा आपको ग्लव्स कैसा लगा, और इसके हाथ में बना हुआ भी चेक करते हैं कैसा लगा। हाँ जी अरफा, ग्लव्स कैसा लगा? अच्छा है। दिखाएं ज़रा कैसा है ग्लव्स। ओ वेरी गुड। और दिखाएं कहाँ तक गया बाजू के अंदर? यहाँ तक। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा है फिर तो, है ना? तो पसंद आया आपको? जी। और भी बनाना चाहोगी? हूँ ये जी। जी शाबाश। ओके फिर यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़।